Hello guys, welcome back to our YouTube channel. Today we are going to discuss a very and very important topic, ठीक है, for semester exam also and for GPAT, ठीक है. तो ध्यान से पढ़ लेना जल्दी एक बार, and I guarantee you कि अगर आप एक बार इसको देख लेते हैं तो मुश्किल से शायद कोई क्वेश्चन आपका गलत हो, ठीक है, HLB स्केल का. चलो कोई दिक्कत. तो HLB स्केल, ठीक है, HLB का फुल फॉर्म क्या होता है? सबसे पहले तो जब हम लोग प्रैक्टिकल देने जाते हैं वाइबा, तो वाइबा में पूछते हैं व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HLB स्केल, ठीक है. तो HLB मतलब होता है हाइड्रोफिलिक, ठीक है. हाइड्रो, हाइड्रस मतलब क्या होता है? पानी, वाटर. एंड फिलिया मतलब क्या होता है बच्चे? लविंग, यानी कि H हाइड्रस फिलिंग, ठीक है. हाइड्रोफिलिक यानी कि वाटर लविंग, ठीक है. लाइपोफिलिक यानी कि लिपिड, लिपिड एग्जाम्पल घी, ऑयल, ठीक है. यानी कि ओफिलिया मतलब लविंग होता है, यानी कि ऑयल लविंग, ठीक है. तो सबसे पहले वाटर लविंग, देन ऑयल लविंग. तो देखो इतना ध्यान रखना कि सबसे पहले स्टार्ट क्या है, एच एल बी. नाम तो हमें पता होता है एच एल बी, यानी कि सबसे पहले हाइड्रोफिलिक आता है, फिर लाइपोफिलिक, फिर बैलेंस, ठीक है, उसको बैलेंस मेंटेन करना. तो ये स्केल, ये एक स्केल है, ठीक है. इसको किसने दिया था बच्चे? ग्रिफिन ने दिया था, ठीक. तो ये बहुत ही वंडरफुल डिस्कवरी थी, इस स्केल को जो बनाया गया था, ठीक है. तो हम लोग कहते हैं वाओ, इट इज़ अ वेरी वंडरफुल डिस्कवरी. ये ट्रिक है, ठीक है. अब देखो ट्रिक हमारा क्या है बच्चे, कि हम लोग आ रहे थे बारिश से, बारिश हो रही थी, ठीक. घर पे पहुँचे तो पता लगा कि हमारा शर्ट भीग चुका है, ठीक है, वेट हो गया. तो मम्मी ने बोला कि जितने सारे शर्ट है तुम्हारे पास, ऑल शर्ट, उसको क्या कर दो तुम, डिटर्जेंट में डाल दो, ठीक. क्योंकि डिटर्जेंट में डाल दोगे पहले से ही, साफ़ करने के पहले अगर डिटर्जेंट में डाल दोगे तो क्या होता बच्चे, जो उसका मैल होता है, ठीक है, फोम, वो स्कम होता है, मैल होता है, ठीक है, डर्ट होता है, वो क्या हो जाएगा, सोल्यूबलाइज हो जाएगा, ठीक है. तो आसानी से उसको हम लोग साफ़ कर सकते हैं, बस यही हमारा ट्रिक है. एंड समझ लो अब तुम्हें HLB स्केल कंठस्थ हो गया, ठीक है. तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े थे, कि ये डिस्कवरी है वो बहुत वंडरफुल, यानी कि वाओ, बहुत ही वंडरफुल डिस्कवरी है. तो WOW, ठीक है, अगर नहीं याद हो रहा है तो ये जो ज़ीरो होता है, ज़ीरो बहुत ही उसको प्रोटेक्ट करके रखते हैं, तो WOW को किनारे कर देते हैं, ज़ीरो को प्रोटेक्ट करते हैं. तो देखो ज़ीरो, दो ज़ीरो बना दो तो क्या बन जाता है बच्चे, आठ बन जाता है, ठीक है. तो दो टू ज़ीरो बना दो क्या बन जाता है, आठ. तो ये देखो ज़ीरो आठ, ठीक है, और ये तो W और इधर W, ठीक है. तो देखो सबसे पहले ये हो गया वाटर इन ऑयल, ठीक है. इसको कैसे लिखा जाता है बच्चे, वाटर इन ऑयल, ठीक है. तो वाटर इन ऑयल यानी कि पानी किस में है, ऑयल में, तेल में है. तो सबसे ज़्यादा कौन सा बच्चे, जिसको जो इन होगा वो होता, वो कंटिन्यूस फेज होगा, ठीक है. उसको तुम समझ लो सॉल्वेंट होगा, ठीक है. अब वो लार्ज अमाउंट में होगा, ठीक है. तो हम क्या कर रहे हैं, ऑयल लिए हैं और ऑयल में क्या मिला रहे हैं बाद में, वाटर, ठीक है. तो वाटर इन ऑयल, तो जो इन होता है जिसमें हम लोग डालते हैं कोई चीज़ें, जैसे कि सबसे पहले हम लोग क्या लिए, पानी ले लिए, उसमें हम लोग क्या एक चम्मच क्या डाल दिए बच्चे, शुगर डाल दिए, ठीक. तो ये हो गया शुगर इन वाटर, यानी कि वाटर हमारा लार्ज क्वांटिटी में, ठीक है. तो जो लार्ज क्वांटिटी में होगा, ठीक, तो लार्ज क्वांटिटी में कौन सा, ऑयल. तो यानी कि ये कौन सा नेचर दर्शाता है, लाइपोफिलिसिटी, ऑयल लविंग, ठीक है. तो जो ऑयल लविंग वाला है, ये जो होगा वाटर इन ऑयल, ये ऑयल लविंग वाले स्केल के पास होगा, ठीक है. दूसरा क्या होता है, ये होता है ऑयल इन वाटर, यानी कि हम लोग पानी पूरा बाल्टी ले लिए, भर लिए, उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल दिए, तो हो गया ऑयल इन वाटर, यानी कि यहाँ पर लार्ज क्वान्टिटी में क्या है बच्चे, वाटर है, ठीक है. तो ये वाला ऑयल इन वाटर इमल्सिफाइंग एजेंट किधर होगा बच्चे, ये हाइड्रोफिलिक की तरफ होगा, ठीक. तो देखो सबसे पहले देख ले कि हमारा 0 से 20 तक स्केल है, समझ लो 18 तक कोई बताता, ठीक. तो जो 10 तक होता है, हाफ कर लो, हाफ 10 के पहले जो होता है वो क्या होता है, लाइपोफिलिक यानी कि ऑयल लविंग. देखो 0 से स्टार्ट कर लो, तो 0 देखो ऑयल होता है ना, ओ को बनाओ और 0 को बनाओ ऑयल, तो ये हो गया हमारा ऑयल लविंग. और 20 18 बीच में देखो वाटर लविंग होता है, ठीक. तो वाटर में, वाटर का मॉलिकुलर वेट कितना होता है बच्चे, H2O. ऑक्सीजन का 16 प्लस 2 कितना होता है, 18, ठीक. तो वाटर लविंग किधर है, लार्ज नंबर की तरफ है, यानी कि 18 के आसपास है 20 से. तो तुम्हारा 10 तक हो गया ऑयल लविंग और इधर हो गया वाटर लविंग, ठीक है. धीरे धीरे सीखते हैं सारे पॉइंट्स. तो इधर अब हम फिर दोबारा आते हैं,
दोबारा में क्या हो गया बच्चे, ओ हम लोग क्या याद किया था कि ओ 8 है, ठीक है, और इधर W, ठीक है। अब W को ऐसे देखो, ये 3 की तरह दिख रहा है, ये अगर इसको ऐसे कर दे तो 3 है, ठीक है, तो 3 इधर है, तो यानी कि 3 से 8 हमारा क्या हो गया, वॉटर इन ऑयल हो गया, ठीक। और 8 का जस्ट डबल क्या कर दिया बच्चे, 16, ठीक है, यहाँ पे 3 का वैसे बहुत ज़्यादा खेल है, ठीक, तो 8 का जस्ट डबल कर दिया 16। अब ऑयल इन वाटर कौन सा है, इमल्सिफाइंग एजेंट कौन सा है, 8 से 16 वैल्यू, ठीक है। इधर हम लोग देख सकते हैं वाटर इन ऑयल कितना है, 3 से 8, और ऑयल इन वाटर कितना है, 8 से 16, ठीक। तो हमारा क्या था बच्चे, हमारी मम्मी ने बोला कि ऑल वेट शर्ट पुट इन डिटर्जेंट टू गेट सोलिबलाइज, ठीक है, तो जितने भी शर्ट हैं हम कहाँ रखेंगे, डिटर्जेंट में रखेंगे टू गेट सोलिबलाइज, ठीक है। तो देखो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 0 है, ठीक है, ऑयल है ये, ठीक, ओ के एक माइनस कर दो और एक प्लस कर दो तो क्या हो जाएगा, 8 के एक प्लस कर माइनस करोगे 7 हो जाएगा, प्लस करोगे 9 हो जाएगा, ठीक, तो 7 और 9 इधर हो गया, ठीक। अब हमें सब ठीक समझ में आ गया, तो 3 के पहले 1, ठीक है, 0 से नहीं स्टार्ट कर रहे, 1 से, ठीक है, क्योंकि ऑल मतलब ए और ए मतलब 1 होता है, ठीक है, तो ये 1 से स्टार्ट है, ठीक है, ए तो 1 होता है ना, तो ये ए हो गया। उसके बाद यहाँ पे 16 टोटल 20 तक कर देंगे, यहाँ से 3, 8, 16 तो हमने याद कर लिया था, 16 के बाद लास्ट तक 20 तक हो गया, ये क्या हो गया बच्चे, सोल्युबलाइजिंग एजेंट, ठीक है। उसके बाद नीचे क्या हो गया, डिटर्जेंट हो गया, क्या हो गया बच्चे, डिटर्जेंट हो गया। तो डिटर्जेंट में क्या करेंगे, 16 के 3 पहले ले लेंगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 13 से 15 हो जाएगा, ठीक है, 13 to 15, अभी ये याद हो जाएगा, इसको याद कर लेना, समझ लो सब याद हो गया, ठीक। अब देखो बच्चे कैसे याद करते हैं, तो हमारी मम्मी ने क्या था, ऑल वेट शर्ट पुट इन डिटर्जेंट टू गेट सोलिबलाइज, ठीक है, यानी कि जितने ऑल, ऑल मतलब ओ, ए मतलब होता है एंटी फोमिंग, ठीक है, किसमें रखना है, वेट शर्ट क्या है, किसको रखना है, वेट शर्ट को, ठीक है, यानी कि वेटिंग एंड स्प्रेडिंग एजेंट, किसमें रखना है, पुट इन डिटर्जेंट, ठीक है, डिटर्जेंट, ठीक है, टू गेट किसमें, सोलिबलाइज। तो देखो सबसे पहले हमने इधर लिखा, ऊपर नीचे एंड देन राइट साइड, ठीक है, ये हमने याद कर लिया। तो जो एंटी फोमिंग एजेंट होता है वो 3 के पहले यानी कि 1 से 3 होता है बच्चे, ठीक है, और जो हमारा वेटिंग एंड स्प्रेडिंग एजेंट होता है बच्चे वो कितना होता है, 8 के 1 इधर आ गया यानी कि 7 to 9। तो इसको भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, याद कर सकते हो, भूल सकते हो मतलब, ठीक है, बस इसको भूल सकते हो डिटर्जेंट, और इसको भूल सकते हो, बाकी कोई नहीं भूलो। सोल्युबलाइजिंग तो 16 के बाद है, यानी कि ये क्या होगा, 16 to 20 होगा बच्चे, ठीक है। अब देखो याद करते तो सोल मतलब 16 16 16 सोल 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 16 16 16 कैसे भी याद कर सकते, ठीक है, ये हो गया। अब देखो बच्चे सबसे पहले अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, अच्छा अगर आपको याद हो ये आ जाते हैं, ठीक, सारा कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। इधर आते हैं तो 0 से स्टार्ट है बच्चे हमारा, 10 तक क्या है बच्चे, ऑयल लविंग, क्योंकि 0 ऑयल लविंग, 10 के 20 से क्या है हमारे बच्चे, वाटर लविंग, क्योंकि वाटर का फॉर्मूला मॉलिकुलर वेट होता है 18, ठीक है, तो यहाँ से लाइपोफिलिक एंड नीचे हाइड्रोफिलिक। अब देखो बच्चे एक चीज हमने आपको बताया था कि यहाँ पे नाम है हाइड्रोफिलिक लाइपोफिलिक बैलेंस, लेकिन लाइपोफिलिक पहले आता है, 0 से 10 तक लाइपोफिलिक आता है, फिर बाद में हाइड्रोफिलिक, तो ये कन्फ्यूजन दूर कर लो, अभी का अभी दूर कर लो, कन्फर्म कर लो इसको बच्चे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 0 से 10 ऑयल लविंग लाइपोफिलिक एंड 10 टू 20 इट इज हाइड्रोफिलिक, इट मीन्स वाटर लविंग, ठीक है। अब देखो अब 1 से 3 हमारा क्या था बच्चे, यहाँ से ट्रिक, 1 से 3 क्या था, एंटी फोमिंग एजेंट, और 3 से 8 क्या था बच्चे, वाटर इन ऑयल, ठीक है, एमल्सीफाइंग एजेंट, पूरा लिख लेना। उसके बाद ऊपर चले जाओ तो 7 to 9 क्या था, ऑक्सीजन के ऊपर चले जाओ, 1 माइनस 1 प्लस, तो 7 to 9 क्या था बच्चे, वेटिंग एंड स्प्रेडिंग एजेंट, ठीक है। उसके बाद ऑयल इन वाटर इमल्सिफाइंग एजेंट कितना था, ऑयल इन वाटर इमल्सिफाइंग एजेंट 8 to 16, तो 8 to 16, ठीक है। उसके बाद डिटर्जेंट नीचे आता है, डाउन, वैसे याद कर लेना, डाउन डिटर्जेंट मतलब डाउन, 13 से 15, डिटर्जेंट 13 से 15, ठीक है। सोल्युबलाइजिंग एजेंट 16, सोल्युबलाइजिंग 16 से 20। अच्छा देखो थोड़ा सा देखो यहाँ पे अगर आपको कन्फ्यूज़ हो रहा है, ये तो वाव वाव करके तो याद ही है, लेकिन अगर यहाँ पे आपको कन्फ्यूज़ हो रहा है कि
वाटर इन ऑयल था ऊपर, 3 से 8 या फिर 8 से 16 कौन सा था। तो देखो इधर ऑयल लविंग है ना, तो ऑयल ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि वाटर इन ऑयल होना चाहिए। और इधर क्या है बच्चे, वाटर लविंग, ठीक है। तो वाटर मैक्सिमम क्वांटिटी में होनी चाहिए, यानी कि ऑयल इन वाटर होना चाहिए। समझ रहे हो बच्चे? ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया। ठीक है, अब थोड़ा सा फॉर्मूला आते हैं कैलकुलेट करने के लिए HLB स्केल। ठीक है, ग्रिफिन वाइज थोड़ा सा फॉर्मूला दिया था कि HLB बराबर 20। देखो 20 लार्जेस्ट नंबर, 20 अब ब्रैकेट में कर लो। अब 20 को देखो 1 माइनस सरफेस एरिया, इसको कहते हैं सरफेस एरिया। जब हम लोग लिखते हैं तो लिखते हैं ऐसे लिखते हैं ना, तो 1 माइनस सरफेस एरिया। ठीक है, तो लार्जेस्ट नंबर 20, 1 माइनस सरफेस एरिया, यानी कि एस बाई ए। एस मतलब क्या होता है बच्चे, सेपोनिफिकेशन नंबर ऑफ एस्टर। ठीक है, एस्टर का क्या होता है, सेपोनिफिकेशन नंबर। और नीचे ए मतलब होता है एसिड नंबर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला में याद हो गया। HLB इसके लिए हमें कैलकुलेट करना है, देन पुट लार्जेस्ट नंबर 20 इनटू ब्रैकेट और एक, ठीक है, 1 माइनस सरफेस एरिया। वो हो गया हमारा पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला बताते हैं HLB का क्या होता है, पी होता है। पी मतलब क्या होता है, यू आर पीइंग। ठीक है, हाँ पी मतलब होता है यूरिनेशन करना, पी करना, यूरिनेट करना। तो पी मतलब होता है बच्चे कि जनरली हम लोग पी कितने टाइम्स करते हैं बच्चे, अप्रॉक्स 4 से 5, 5 टाइम्स आ डे। ठीक है, अगर देख लें तो 24 घंटे में हम लोग कितना करते हैं, 24 का मान लो 25, राउंड फिगर ले लो, 25 को 5 से डिवाइड कर दो, 5 घंटे में अगर हम लोग एक बार टॉयलेट करते हैं तो हम लोग 5 बार टॉयलेट करते हैं, क्या कह रहा हूँ। ठीक, तो ये हो गया HLV मतलब पी अपॉन 5। ठीक है, तो पी प्लस ई अपॉन 5। ठीक है, तो पी मतलब होता है, यहाँ पे परसेंटेज पे मत जाना, पी मतलब होता है पैराहाइड्रिक अल्कोहल। ठीक है, तो ये हो गया परसेंटेज बाई वेट, एक होता है परसेंटेज बाई वेट। परसेंटेज बाई वेट मतलब परसेंटेज बाई वेट, यानी कि डब्लू बाई डब्लू। ठीक है, परसेंटेज बाई वेट इसका मतलब होता है ग्राम वेट। ठीक है, या ग्राम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम। परसेंटेज मतलब होता है आउट ऑफ 100। ठीक है, तो ये होता है ग्राम ऑफ सोल्यूट, ठीक है, प्रेजेंट इन किसमें, 100 ग्राम, ठीक है, ऑफ सॉल्यूशन। इसको क्या कहते हैं बच्चे, परसेंटेज बाय वेट। ठीक है वही, तो परसेंटेज बाय वेट पी मतलब होता है पैराहाइड्रिक अल्कोहल, एंड ई मतलब क्या होता है बच्चे, ये हो गया इथाइलीन। ठीक है, तो ये हो गया ऑक्सी इथाइलीन चेन। ठीक है, तो परसेंटेज बाय वेट ऑफ ऑक्सी इथाइलीन चेन। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, एंड आई थिंक ईच एंड एवरी पॉइंट इज क्लियर। आज के बाद तुम्हें HLB स्केल पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, जब भी जरूरत होगी वीडियो उठाना और दोबारा देख लेना। ओके, थैंक यू।